गढ़वा में पिछले 5 महीने से भ्रष्टाचार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा सह जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच जाने वाले गढ़वा रंका विधानसभा से 4 बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री सह विधायक गिरिनाथ सिंह ने अचानक समाजवादी पार्टी का दामन थामकर लोगों को चौंका दिया है। गढ़वा स्थित होटल ग्रैंड व्यू में एक कार्यक्रम आयोजित कर गिरिनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। समाजवादी पार्टी के झारखंड प्रभारी व्यास गोंड ने गिरिनाथ सिंह को सिंबल प्रदान किया। गिरिनाथ सिंह गढ़वा के एक प्रखर और कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने राजनीति की शुरुआत 90 के दशक में शुरू की थी, जब उन्होंने अपने क्षेत्र में सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की आवाज उठाई। उनके नेतृत्व में कई आंदोलनों को जन समर्थन मिला, जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ी। गिरिनाथ सिंह जनता के बीच हमेशा से रहने वाले नेता रहे हैं। गढ़वा क्षेत्र के विकास और वहां के पिछड़े वर्ग की आवाज़ बुलंद करने के लिए निरंतर संघर्ष किया। उनके शुरू किए गए जनहित कार्यों के कारण उन्हें राजनेता के रूप में जाने जाना लगा है। जो आज हम सबों के नायक के रूप में बैठे लोगों की आवाज बने, हमारे सर नारायण यादव जी का भी अभिनंदन और स्वागत है। देखिए हमारे आपको देखने में दूर लगे तो हम तो दिल आप दूर कर रहे हैं। आप झारखंड प्रदेश के दिल में थे, आया बहुत अच्छा मौका है, तो आप लोग भी हमारे आवाज सुनने के लिए आप लोग आ गए, आवाज उठाएंगे, इसके लिए हम आशा उम्मीद भी करते हैं। पर्चे तो अपने बारे में दे दिए, एक साधारण घर के बेटा है, आदिवासी समाज से आते हैं, सपा सरकार में 2 बार मिनिस्टर रहे हैं, जो भी बात राणा तो हम कहें, और जान लीजिए तो अभी भी राज आए हैं। देखिए हम लोग जयप्रकाश जी के आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी को जानते थे, सोशलिस्ट पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, सोशलिस्ट पार्टी के, तो हमारा आधार दो संरचना तो वही है। और मैं राष्ट्रीय जनता दल में था तो हमारा काम करने का तरीका समाजवादी ही था, कंसेप्ट वही है। हम लोगों के नेता रहे हुए हैं स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कर्पूरी जी के परम शिष्य हैं। बुनियादी हम लोगों का समाज का जो आज पीढ़ी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी को मैंने आज ज्वाइन